Hello friends, welcome to this slide. Yes, slide में हम देखेंगे consumer redressal dispute redressal agencies. जैसे पिछले स्लाइड में देखा था consumer protection councils के बारे में हमने बात की थी, correct? जिसमें central था, state था, district council था. अब इसी दौरान, इसी स्लाइड में हम देखेंगे कि अगर consumer को कहीं पे complaint करना है, तो कहाँ पे जाए? तो उसका बहुत सिंपल आंसर है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज के पास जाना है. और ये जो तीन एजेंसीज जिसके बारे में हम ये स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो इतनी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि किसी को भी अगर कंप्लेंट लॉन्च करना हो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो यहाँ पे कर सकता है. सो लेट्स बिगिन विद दिस कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बिजनेस लॉ 2. कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी यहाँ पे तीन कैटेगरी में बाइफर्केटेड, जैसे काउंसिल्स भी तीन कैटेगरी में बाइफर्केटेड था, वैसे रिड्रेसल एजेंसीज नाम से ही पता चलता है ये रिड्रेस करेंगे, कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट? और ये सेक्शन 9 और एक चीज इसमें ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कुछ मैक्स टू मैक्स 31 से 32 सेक्शंस तक ये है, मतलब तकरीबन लेस देन 33 सेक्शंस के अंदर तो ये वाइंड अप हो जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. उसमें तीन कैटेगरी है यहाँ पे आए रिड्रेसल एजेंसीज में. एक डिस्ट्रिक्ट फोरम जिसको एस्टेब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट कमीशन इसको एस्टेब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट, और आखिर में नेशनल कमीशन ये एस्टेब्लिश होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से. यानी कि दो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट करता है और बाकी नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट. वी विल इन दिस लाइन हम ये तीनों को एक साथ कंपैरिजन के तौर पे देखेंगे, क्योंकि जब एक एक करके पढ़ने जाओगे तो शायद से इट विल बी वेरी मच कंफ्यूजिंग, बट इसको डिस्टिंग्विश के तौर पे लिया एक एक पॉइंट्स को इट विल बी क्वाइट इजी फॉर अस. तो ये तीनों को एक साथ डिस्टिंग्विश करके पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन विद फर्स्ट होता है कंपोजिशन, यानी कि इसमें कितने कैसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन मेंबर्स होगा. तो इसका पहली चीज है डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेसिडेंट होगा कौन, तो बोलते हैं पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है या डिस्ट्रिक्ट जज बनने के क्वालिफाइड है वो जो उसके पास उतनी योग्यता है वो प्रेसिडेंट बन सकता है डिस्ट्रिक्ट फोरम का. स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहता है